अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्पॉट पे फाइनली स्पॉट पे अभी अभी पहुंचा मैं। तो मेरे को मेरे सब्सक्राइबर जो भी है लोग सिंह के शिकार के बारे में पूछ रहे थे फिर से। दीप के वीडियोस पीछे है, आप लोग नहीं देखे तो वो भी देख ले सकते। फिर भी मैं ये वीडियो में बताना चाह रहा हूँ आप लोग सिंह का शिकार कैसा है, क्या है और सिंह किसको बोलते हैं। जो नए हमारे सब्सक्राइबर हैं उन लोग भी पूछ रहे, इसलिए तो मैं आप लोगों को आज ये सेटिंग तो मैं पूरा बताया तो क्या है क्या नहीं, कैसा सेट कर लेना और ये सिंह का क्या शिकार रहता। खास करके मैं आप लोगों को ये सिंह के बारे में बताने और समझाने के लिए आया यहाँ पे। जो हमारे को पिछले वीडियोस में जो कमेंट करे मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ, तो उतना खास भी आज मूड नहीं है दोस्तों शिकार करने का। यूँ क्यों बोलते हैं, सिंह का स्पॉट भी ज़रा सही नहीं है, उतना घास का एरिया है। तो मैं आप लोगों को बताने के लिए मैं यहाँ पे एक वीडियो बनाएंगे बोल के यहाँ पे आया। तो ये सिंह है जो सॉलिड फाइबर सिंह है, ये फ्री भी रहता और हाथ भी दर्द नहीं होता और ये एकदम एक बार इन्वेस्टमेंट है। खाली एक बार आप लोग ये सिंह ले लिए, मैं तो फिलहाल ये डेढ़ साल से चला रहा हूँ, डेढ़ साल या दो साल हो गए ये सिंह चलाते चलाते, डेढ़ साल हुआ समझता हूँ पक्का। तो आप लोग ये एक बार इन्वेस्टमेंट कर लिए सिंह तो आप लोगों को ये टूटने की नहीं है, कुछ भी नहीं है भाई। इसाक भाई के पास ये सिंह मिल जाती आप लोगों को, तो इसको डायमंड बोलते। मैं अभी सिंह पूरा रेडी कर लिया, देखो आप लोग ये डायमंड है। यहाँ पे पानी में मैं बैठ के शिकार करने वाला हूँ तो आप लोगों को डायमंड का सिग्नल नहीं मालूम होता। अब ये मच्छी मारे तो कैसा हलता आप लोग देखो एक बार, ये हिसाब से हलता मच्छी मारे तो। अगर मच्छी खारी अंदर आप चारा खारी तो ऐसा हलता, जब भी क्या करना अपन तुरंत हाथ उठा देना। और एक किलो मच्छी है या एक किलो डेढ़ किलो है तो मुश्किल से अपन खींच ले सकते हैं उसको, ज़्यादा ये नहीं है। अगर डेढ़ किलो के ऊपर है मच्छी ज़्यादा तो कंपलसरी ये डोरा रहना, ये ज्यादा महंगा नहीं रहता दोस्तों, बहुत सस्ता है। 40 से 50 रुपए में ये मिल जाता अपने को। ये कितने मीटर रहता अंदाजा तो मेरे को नहीं है, पर 50 मीटर के तो ऊपर रहता है। तो ये ऐसा पूरा सिंह का शॉट, ये मैं खेल रहा हूं 5 बम पे। यहाँ पे ये लाइन दोस्तों नया लाइन है, मैं इससे पहले बिग गेम इस्तेमाल करता था, अब ये लाइन इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये प्रो हंटर है, आप जो पिछले वीडियोस देखे होंगे सिंगल पे जो धमाका एक ही बार मार के खींच दिए सो है वही है। ये तंगूस पर ये जरा ज्यादा नंबर का है, ये 60 नंबर का है। सिंग पे कोई भी 60 नंबर का नहीं खेलते दोस्तों, पर ये पतला है देख सकते आप लोग, लाइन बहुत पतली है। ये है 60 नंबर पर लाइन पतली है, तो ये मॉडल के आप लोगों को हुक सोना है तो ये मॉडल भी इसाक भाई के पास मिल जाता आप लोगों को। ये स्प्रिंग शीश बोलते है इसको, स्प्रिंग शीश है ये। तो ये सिंह के लिए ये शीश अच्छा रहता, आपको आटा पकड़ के रखता है इन्हें, जल्दी नहीं छोड़ता। तो ये मस्टर्ड कंपनी का हुक है, 6 नंबर है हुक। इससे पहले के वीडियो में हुक कितने नंबर का है पूछ रहे थे, ये 6 नंबर हुक है दोस्तों। इसको मैं थोड़ा नोज प्लेट लगा के, ये जो है ना ये थोड़ा नीचे रहता है, इसको मैं नोज प्लेट से थोड़ा ऊपर उठा लेता हूँ। क्यों बोले तो अगर छोटी मच्छी भी है तो मिस नहीं होना बोल के। तो आप लोग अभी ट्राई करो, मच्छी मिस नहीं होती, डेफिनेटली लगती है, अगर खाई चारा तो पक्का लगने का चांस है। और ये अपने को बहुत जगह पतरे की तरह नहीं मिलते दोस्तों सिंह सेट करने के लिए, तो वैसी जगह ये काम आते अपने को। ये ऐसा लगाने का रहता, एक ऐसा लगा लेना, सिंह का साइज देख लेना पहले, दाल के नजदीक ले लेके सिंह का साइज देख लेना कितना आ रहा, हैंडल ये ऐसा लगा लेना। तो ये ऐसा सेट होता है, ये हिसाब से सेट होता। तो अब मच्छी कैसा खाती क्या खाती मैं आप लोगों को इसमें ऐसा रहता आप लोगों को कम्प्लीट समझ में आता। तो मैं मच्छी कैसा खाती और मैं पानी में हूँ अभी गल डाल के पानी में रखा हुआ हूँ, तो आप लोगों को समझाने के लिए बता रहा हूँ। देखो मच्छी कैसा खाती आप लोगों को समझ में आया था। अब ऐसा हाथ छोड़ के रहते अपन, जैसा अपना डायमंड सामने थोड़ा हरकत करता, थोड़ा हरकत करते कि ऐसा पकड़ लेना अपन हाथ में ले लेना, बस अब मारने का रहता, एक की बार ऐसा हाथ उठा के मार देना। तो ये है दोस्तों सिंह का शिकार। बहुत जनों को नहीं मालूम, तुमको तिरुंडा नहीं है अंदर सामने, तिरुंडा नहीं है, बेंड नहीं है और क्या बोलते हैं फ्लूट नहीं है, आपको कैसा समझ में आ रहा है पूछ रहे। तो ये हैदराबाद की शान है भाई सिंह का शिकार, हमारे हैदराबादियों की शान सिंह का शिकार, एक से एक धारकारी है हमारे हैदराबाद में सिंह का शिकार। मैं तो छोटा मोटा शिकारी हूँ, हमारे बहुत बड़े बड़े शिकारी हैं हैदराबाद में, बहुत बुजुर्ग है, बुढ़े लोग हैं, बुढ़े से बुढ़े हो गए पूरे जने, पर अभी भी सिंह को नहीं छोड़ते। इसका मजा लग गया तो खत्म,
दूसरा शिकार नहीं करते, सिंह का शिकार ही करते। तो अब देखेंगे इंशाल्लाह सिंह का शिकार करके आटा रेडी कर लेंगे, देखेंगे। आप लोग अभी देखो, एंजॉय करो वीडियो को, देखेंगे अभी। तो ये बैठे दोस्तों, ये नहीं बैठे, पानी थोड़ा मैला होने की वजह से बैट चेंज करा मैं। इंशाल्लाह आप लोगों को इसका वीडियो, नेक्स्ट वीडियो इसका डाल देंगे। अगर बैट अच्छा काम करे तो आप लोगों को ये वीडियो बना के डाल दे तू मैं, देखेंगे इंशाल्लाह। अभी पहुँच रूँ, ये पहली गोली है, देखेंगे इंशाल्लाह। सेटिंग कर लिया मैं, यहाँ पर देख सकते आप लोग पानी में। ये पहली मच्छी है, सक्सेस हो गया सिंह पे। ये आज की पहली मच्छी है, एक एक किलो साइज की रहती, शार्ट भी परफेक्ट है, देख सकते हैं आप लोग। सेम साइज है दोस्तों, ये भी एक किलो की है। मार भी इसको साइड में लगा, मार देख सकते हैं, साइड में बैठेगा। तेरा घास रहने की वजह से मार ज्यादा नहीं लग रहा है। गल पत्ते 8 नंबर है, 12 नंबर है वो। ये 6 नंबर है मस्टर्ड, देखिए इंशाल्लाह। तो गोली ये हिसाब से लगा लेना दोस्तों, स्प्रिंग शीश, इसका नाम है स्प्रिंग शीश। तो स्प्रिंग वाला शीश सिंह के लिए काम आता, 06 हुक। ये मॉडल आप लोगों को इसाक भाई के पास मिल जाता है, ऐसा गल बने सो, यही इंशाल्लाह। बहुत देर हो गया, अभी तो 2 मच्छी मारे।
माशाल्लाह दोस्तों, ये तीसरी मच्छी है, देख सकते हैं आप लोग। जरा बड़ी है क्या, उतनी साइज की है? बता जरा। गल इसको भी साइड में बैठी। थोड़ा बड़ी दिख रही हो दो मच्छियों से। मतलब हुक जो लग रहा है ना, कीले लग रहा है वो। मस्टर्ड है, छोड़ती थी मच्छी। कल से छोड़ती, बंद गल से नहीं छोड़ती। कल से ऑर्डर करना पड़ा तुम्हारे वास्ते बड़ा कीले का हुक। जाती घास में है ना, चल जाती वो। मोरना गुच्छा है यहाँ पे किसी का। कहाँ है? अरे यार हाँ बताओ। देखो अरे मेरी गुच्छा है, तुम्हारा चाहिए? हाँ मेरी से आपका बने सर। और सिंगूर में जहाँ पे भी तुम्हारा सर था। तो ये तीन का शिकार हुआ दोस्तों आज। मेन मकसद आप लोगों को समझाना था वीडियो में क्या है क्या नहीं, तो कैसा शिकार करना क्या है आप लोगों को समझाना था। क्यों बताओ, हमारे सिंह के शिकार यहाँ मेरे सब्सक्राइबर हम बहुत थे, जो सामान इसाक भाई के पास से लिए उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा, इसलिए मैं आप लोगों को पूरा ऐसा तरीका बताया। देखिए इंशाल्लाह नेक्स्ट शिकार नई जगह नए स्पॉट पे। देखते रहो ABS फिशिंग चैनल। जो चैनल पे नया है चैनल को सब्सक्राइब करो, आपको बाइट से रिलेटेड और फिशिंग से रिलेटेड वीडियोस और भी चैनल पे आते रहेंगे। अल्लाह हाफिज़। तो